Hello, my nth class students. Today we are going to read a chapter about youth. Youth मतलब नौजवान लोग. हम जो society की youth power है उसके बारे में आज हम एक chapter पढ़ने वाले हैं. Chapter का नाम है Weathering the Storm in Our Summer. मतलब need के time पे society की मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा society का कौन सा हिस्सा आगे आता है? बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं या youth आते हैं? तो सबसे ज़्यादा आगे youth आता है. यूथ का मतलब वो नौजवान लोग जो अपनी एज में कुछ कर जाने की चाहत रखते हैं. सो हम यहाँ पर इस लेसन में उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. किस तरीके से एक प्रशांत नाम के लड़के ने अपने आसपास के सारे लोगों को नेचुरल कैलमाइटी मतलब फ्लड आने के टाइम पर किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को सहारा दिया, इवन अपने साथ और लोगों को जोड़कर, अपनी एज के और उम्र के लोगों को जोड़कर किस तरीके से उसने एक स्ट्रेंथ तैयार करी अच्छी, तो इसके बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. दिस लेसन टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूथ ऑफ सोसाइटी. ये लेसन हमें सोसाइटी के यूथ की इम्पॉर्टेंस बताता है कि नौजवानों की क्या इम्पॉर्टेंस है सोसाइटी में. दे कैन वर्क टुगेदर फॉर द सोसाइटी इन नीड. अगर ज़रूरत पड़े तो यूथ जो है इकट्ठे होकर एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सक्सेसफुल काम करने में हमारी मदद कर सकते हैं. तो इसी चीज़ के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और टेक्स्ट से जानेंगे आप कितना समझते हैं इस यूथ पावर के बारे में और आपको ये चैप्टर कितना ज़्यादा अच्छे से समझ में आया. चलते हैं टेक्स्ट की तरफ. द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल and devastated hundreds of villages. वो साइक्लोन, वो चक्रवात जो उड़ीसा में आया था 1999 में, कई हज़ार लोगों को उस चक्रवात ने मार दिया था और कई गाँव को बर्बाद कर दिया था. For two dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. लगभग दो दिन के लिए एक प्रशांत नाम का लड़का जो बहुत ही जवान था, वो दो दिन के लिए एक घर की छत पर उसे सहारा लेना पड़ा. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. और तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का डिसाइड किया. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. अब चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या उसे उसकी फैमिली मिलती है, क्या प्रशांत अपनी फैमिली से मिल पाता है. ऑन 27 अक्टूबर 1999 का दिन, 7 ईयर्स आफ्टर हिज मर्दर्स डेथ, अपनी माँ के 7 साल के गुजर जाने के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा. प्रशांत अरसामा गया था ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में किसी काम से. अरसामा एक कोस्टल एरिया मतलब जो उड़ीसा का जो समुद्र के पास का एरिया है ना, उसका एक छोटा सा शहर है अरसामा नाम का. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर होगा. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, एक दिन अपने दोस्त के साथ गुजारने के लिए वो अरसामा गया था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. और शाम के टाइम पर एक काला, एक गहरे रंग का और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तूफान अचानक से बनने लगा. विंड स्पीड अगेंस्ट द हाउसेस, हवा एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ अंधेरा फैलाते हुए घरों के अगेंस्ट हो रही थी. स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. वो ऐसी हवा चल रही थी जो प्रशांत ने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी. हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस. वो भारी भरकम और लगातार होने वाली बारिश ने अंधेरे को भर दिया था, मतलब वो अंधेरे से भर चुकी थी. एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, सॉरी, एंड एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड. पुराने ज़माने के जितने भी पुराने अच्छे खासे पेड़ थे वो सारे के सारे जड़ से उखड़ चुके थे और धरती पर क्रैश हो गए थे, मतलब धरती में मिल गए थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. वो चीखे हवा को भर रही थी जब लोग और उनके घर साथ की साथ हवा में उड़ रहे थे, पानी में बह रहे थे.
द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. वो गुस्से से भरा हुआ पानी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला जो पानी था, मतलब पानी एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ प्रशांत के दोस्त के घर में आ घुसा. और वो जो प्रशांत का घर था वो कम से कम इतना भर गया कि गर्तन तक पानी आ रहा था. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर. जो घर बना हुआ था वो ईंटों और सीमेंट का बना हुआ था. एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर. उस घर की स्पीड, मतलब वो घर 350 किलोमीटर की वेलोसिटी से चलने वाली हवा से जो नुकसान हुआ था उससे बच सकता था. बट द कोल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज. लेकिन जैसे जैसे पेड़ों के टूट कर गिरने की आवाज़ें आई, लोगों के मन में जो डर था वो बढ़ता जा रहा था. That had got uprooted and fallen on their house. वो trees जो जड़ से उखड़ चुके थे और उनके घर पर गिरते जा रहे थे, ये उनका डर का मेन कारण बन चुका था. Sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. कभी कभी तो रात के बीच में ऐसा भी हो जाता था कि घर की दीवारें, कई घरों की दीवारें और छतें भी नुकसान में हो चुकी थी. The craze डिस्ट्रक्शन रॉड बाई द साइक्लोन. उस साइक्लोन की वजह से ये पागल वाला जो इतना नुकसान हो रहा था, इतना ज़्यादा पागलों की तरह जो ये चक्रवात, ये साइक्लोन इतना नुकसान करता जा रहा था. एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स. और वो पानी की लहरों का लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठना कम से कम 36 घंटों तक ये चला. ऑल द विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड समवर्ड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. जबकि हवा की जो स्पीड थी वो अगली सुबह तक कुछ कम हो चुकी थी. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, घर में बढ़ते हुए उस पानी से बचने के लिए, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूजी ऑन द रूफ. प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने छत पर थोड़ी देर के लिए सहारा लिया था. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ द डिवेस्टेशन. प्रशांत कभी भी ये नहीं भूल सकता था या कभी भी नहीं भूलेगा कि इतना नुकसान इस सुपर साइक्लोन जो ये इतना बड़ा नुकसान लाया था, उसको जब पहली बार उसने एक्सपीरियंस किया तो कैसा उसका एक्सपीरियंस था. द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, इस सुबह को जो इतना नुकसान वो उसने देखा वो उसके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी. बहुत ही गुस्से वाला वो मिट्टी से भरा हुआ जो पानी था, उस पानी की ब्राउन कलर की शीट, मतलब जहाँ पर हर जगह जानवर देखने को मिल रहे हैं, मिट्टी भरी हुई है उस पानी में, तो ये सब कुछ जहाँ तक आंखें जा रही थी वहाँ तक सबको हर जगह यही देखने को मिल रहा था. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंटेड हाउसेज स्टूड स्टिल इन अ फ्यू प्लेसेस. कुछ जगहों पर सिर्फ कुछ सीमेंट के घर ही बचे हुए थे, जो वो भी टूट चुके थे, फ्रैक्चर हो चुके थे. ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस, उन तैरते हुए जानवरों के जो लाश थी, ह्यूमन कॉर्पसेस इंसानों की लाशें थी, वो हर डायरेक्शन में तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. हर जगह बड़े बड़े जो पुराने से पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके थे. टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. दो नारियल के पेड़ उनके घर पर, उनके घर की छत पर गिर गए थे. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. और इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के टाइम पर ये एक तरीके का आशीर्वाद था. बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो. क्योंकि प्रशांत और उसकी फैमिली जो छत पर फंसी हुई थी, तो छत पर जब ये दो कोकोनट ट्रीज के पेड़ आकर पड़ते हैं तो उनके जो कोकोनट थे यही होते हैं जो प्रशांत और उसके फ्रेंड और उसकी फैमिली को बचाने में काम आते हैं. फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिन के लिए प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली. प्रशांत वहीं पर ही बंधा सा बैठा रहा, बिल्कुल छुप कर अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ बैठा रहा. इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, उस छत में खुले में वो मन में उसके जो डर था उस डर के साथ वो बैठा हुआ था. दे फ्रोज इन द कोल्ड, वो जम चुके थे लगातार और ठंडी पड़ने वाली बारिश के अंदर. द रेन वॉश्ड वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. इस बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी भिगो दिया था.
The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जो थॉट था वो ये था बार बार आने वाला कि क्या इस बड़े साइक्लोन के अंदर उसकी फैमिली बच पाई होगी. वॉज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार फिर उतना ही दुख फेस करना पड़ता जितना उसने अपनी माँ के टाइम पे किया था. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने अपने पास 2 days later, which seemed to be Prashant like 2 years, 2 दिन बाद जो प्रशांत को लगभग 2 साल के करीब लग रहे थे. द रेन सीज्ड, बारिश रुकी, एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और बारिश का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट एनी फर्दर डिले. अब प्रशांत अपने मन में ये निश्चय कर चुका था कि उसे बिना किसी देरी के अपनी फैमिली को ढूंढना है. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत खतरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. और प्रशांत उसकी जो फ्रेंड की फैमिली थी, प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली थी, उसने प्रशांत को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़े टाइम और रुक जाओ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही था. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसने खुद को एक बहुत ही लंबी और मजबूत सी छड़ी के साथ अपने पास एक बहुत ही मजबूत सी डंडी ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, और फिर अपना 18 किलोमीटर की यात्रा वो शुरू करता है वापस अपने गांव जाने के लिए. थ्रू द स्वलन फ्लड वाटर्स, उस पानी के उस बढ़ते हुए पानी के बीच में से. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक वो रास्ता था जो वो कभी भूल नहीं सकता था. ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे लगातार अपनी डंडी को पहले रास्ता ढूंढने के लिए ज़मीन पर मारना पड़ता ये देखने के लिए कि पानी कहाँ पर ज़्यादा गहरा था और कहाँ पर ज़्यादा कम था. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पर ऐसा था कि पानी कमर तक गहरा था. एंड द प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वहाँ पर उसे थोड़ा संभल कर चलना पड़ता था. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई जगहों पर रास्ता वो खो देता और उसे तैर कर जाना पड़ता. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, और फाइनली थोड़े दूरी पर जाने के बाद उसे अपने अंकल के 2 दोस्त मिलते हैं जिन्हें देख कर वो बहुत शांत या बहुत राहत महसूस करता है. हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, उनके अंकल के वो दोनों दोस्त भी अपने गाँव को ही वापस जा रहे थे. They decided to move ahead together, और अब उन्होंने आगे इकट्ठे बढ़ने का डिसाइड किया. As they waded through the waters, जब वो पानी को लांघते हुए, पानी को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, the scenes they witnessed, वो नज़ारे जो उन्होंने देखे, grew more and more macabre, वो और भी ज़्यादा डरावने, और भी ज़्यादा भयानक होते गए. They had to push away many human bodies. उन्हें बहुत सारी इंसानों की bodies को धक्का देना पड़ा. Men, women, children, जानवरों की bodies को भी, जैसे dogs, goats, cattle, जो उनके रास्ते में आ रहे थे. जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, वो पानी के साथ बहकर जानवरों की या इंसानों की body रास्ते में उन्हें मिलती तो उन्हें खिसकाना पड़ता था उन bodies को. In every village that they passed, हर वो गांव जो जिससे वो गुजरे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, वो शायद ही किसी घर को खड़ा देख सकते थे. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत बहुत जोरों से रोया और बहुत देर तक रोया. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ, वो श्योर था कि उसकी फैमिली इस भयानक आपदा में, इस प्राकृतिक आपदा में बिल्कुल भी नहीं बच पाई होगी.